नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का फ्राइडे के दिन इंट्राडे में मूवमेंट कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल मंडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अपन है बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और फ्राइडे के दिन एक अपन को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी जो कि थी अराउंड 400 प्लस पॉइंट्स के आसपास की। उसके बाद देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट्स की एक अपन को रेंज बनती हुई देखने को मिली, और उसके बाद जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट्स के रेंज के लो का ब्रेकडाउन हुआ, वहां से एक अपन को डाउन साइड का एक अपन को स्कैल्पिंग मूवमेंट देखने को मिला जो कि था अराउंड 180 पॉइंट्स के आसपास का। उसके बाद देखेंगे तो एक अपन को एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला, जहां पे एक अपन को एक चार्ट पैटर्न भी फॉर्म होते हुए देखने को मिला, जिसको अगर मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ अपन को ऐसा एक चार्ट पैटर्न बनते हुए देखने को मिला है, और इस चार्ट पैटर्न का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब अगर अपन यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी अगर बनाएंगे तो यहां पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन यहां से देखने को मिली थी, और जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें 11:25 वाइल्ड से एक बहुत अच्छी हमें बुलिश ब्रेकआउट कैंडल से देखने मिला है, वहाँ से एक अपन को बहुत अच्छा मोमेंटम अप साइड में कंटिन्यू होते हुए देखने मिला है, जो कि था अगर अपन कैलकुलेट करके देखें तो वो था अप्रॉक्स 500 पॉइंट्स के आसपास का। और उसके बाद देखेंगे तो 2 बजे के बाद यहाँ पे एक अपन को कंसोलिडेशन मोमेंटम में क्लोजिंग देखने मिली है, जो कि क्लोजिंग लेवल था 50,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जो कोई भी ये ट्रेंड लाइन या फिर बोल सकते हैं ये चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई किए होंगे, उन्हें एक बहुत अच्छा मूवमेंट अप साइड में देखने को मिला होगा। तो ये था बैंक निफ्टी का फ्राइडे के दिन का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गए बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और पिछले 8 से 9 ट्रेडिंग दिनों में अपन को यहाँ पे एक रेंज के अंदर मूवमेंट करते हुए देखने को मिला है बैंक निफ्टी, जो कि एक हमें 1000 प्लस पॉइंट्स के आसपास की एक अपन को एक रेंज बनती हुई देखने को मिल रही है। अब जो ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है अपन को रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिल सकता है, वो है 50,830 का लेवल। अगर इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम यहाँ से अप साइड में देखने को मिलेगा, और सीधे फिर जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 52,340 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस रेंज का डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है, जो कि लेवल है 49,660 के आसपास का लेवल, तो एक अपन को यहाँ से डाउन साइड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फिर सीधे जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 48,800 के आसपास के लेवल। और जब तक इस रेंज में मोमेंटम करते रहे, यहाँ पे एक अपन को वॉलेटाइल मूव मतलब कि दोनों तरफ की मोमेंटम अपन को इंटरडे में देखने को मिल सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस, अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल मंडे के लिए इंटरडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। बुलिश मूवमेंट अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकआउट करे बैंक निफ्टी, जो कि है 50,600 का लेवल। अगर इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम यहाँ से अपसाइड में कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,830 का लेवल। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक अपन को गैप पेंडिंग देखने को मिल रहा है, तो सीधे फिर अपन का जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 51,325 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 51,600 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 50,600 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी। तो अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। डाउन साइड की मूवमेंट अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकडाउन करे, जो कि है 50,100 के लेवल के आसपास का। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करते हैं तो एक अपन को डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 49,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करते हैं तो सीधे फिर जो अपना सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 49,650 का लेवल। और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करके सस्टेन करते हैं तो मैं पहले चार्ट को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल के नीचे अपन को बहुत दिन बाद सस्टेन होते हुए देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अब जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि है 49,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा फिर सीधे ये वाला स्विंग लेवल जो कि है 49,218 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 50,100 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मूवमेंट करे, जो कि है ये वाली रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डिके ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचें जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले। और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि है 50,603 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 50,100 का लेवल ब्रेकडाउन करे, तो एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे।
अपसाइड से अगर अपन ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करें तो एक अपन को अच्छी ट्रेंड लाइन अपसाइड में देखने को मिल रही है। तो अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, साथ साथ 50,600 का लेवल भी ब्रेकआउट करे, तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क करें, और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई अपन को अच्छी एक रेंज बनती हुई देखने मिले, जैसे कि 15 मिनट की रेंज या फिर 1 आवर रेंज, और उसमें कंसोलिडेशन के बाद जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।